नोकिया ने एक्सपेंड कर दिया उसका पोर्टफोलियो इंडिया में बाय लॉन्चिंग टू न्यू स्मार्ट टीवीज इन इंडिया। तो कंपनी ने जो टीवी लॉन्च किया है वो है नोकिया अल्ट्रा एचडी 4K एलईडी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी एंड नोकिया अल्ट्रा एचडी 4K QLED स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी। इनके स्पेसिफिकेशन की हम बाद में बात करेंगे, पर थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या ये टीवीज बेटर है जो प्रीवियस टीवीज लॉन्च हुए थे नोकिया के 2020 में उनसे? तो हाँ, डेफिनेटली इनके स्पेसिफिकेशन उनसे ज्यादा है एंड ये वे बेटर है उनसे, एंड ऑल्सो आपको ये सेम प्राइस पर ही मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यही ऑप्ट करने चाहिए अगर आप नोकिया के फैन हैं। अब बात आते हैं जो नोकिया का क्यूलेट टीवी है, क्या वो बेटर है बाकी टीवी से? इफ कम्पेयर टू द MI क्यूलेट टीवी, इट्स वे बेटर देन द MI क्यूलेट टीवी। बट अगर हम बात करते हैं हाइसेंस के रिसेंटली लॉन्च्ड क्यूलेट टीवी की, तो उसमें आपको सोच समझ करके डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हाइसेंस जो है पिक्चर क्वालिटी के मामले में उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। एक तो उसकी पीक ब्राइटनेस 700 तक है, बट हमारे इस क्यूलेट टीवी की सिर्फ 400 तक है। बट बाकी ऑडियो क्वालिटी में हमारा जो है ये नोकिया टीवी आगे है, तो आपको सोच समझ करके लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे 5,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहेगा इन दोनों टीवीज के। बात करते हैं हम इन दोनों नोकिया टीवीज की। तो ये जो टीवी है आपको 50 इंच एज वेल एज 55 इंच स्क्रीन मॉडल्स में मिलते हैं। एंड दोनों ही टीवी में गाइज आपको JBL के स्पीकर्स मिलेंगे विच आर पावर्ड बाय Harman Audio EFX। तो पहले हम यहाँ पे इन दोनों टीवीज के प्राइस की बात कर लें। तो नोकिया का जो अल्ट्रा HD 4K LED स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी है वो प्राइस करता है ₹44,999 फॉर द 50 इंच वेरिएंट, एंड 55 इंच जो आपको डिस्प्ले साइज आएगा वो आएगा विद प्राइस टैग ऑफ ₹49,999। अब बात कर ले सिमिलरली हम नोकिया अल्ट्रा HD 4K QLED स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी की, तो इट विल कॉस्ट यू ₹49,999 फॉर द 50 इंच मॉडल, एंड जो 55 इंच मॉडल है उस पे प्राइस टैग आता है ₹54,999 का। दिस डुओ इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट अलोंग विद नोकिया ऑनलाइन स्टोर अलोंग विद रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। आपको टीवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम की स्पेसिफिकेशंस की। जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों टीवीज के बीच में वो ये है कि वन ऑफर करता है आपको OLED स्क्रीन, एंड जो दूसरा ऑफर करता है आपको QLED डिस्प्ले। देन बोथ द टीवीज ऑफर यू अ VA पैनल विद अ 60Hz रिफ्रेश रेट एंड अ 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। आगे ऑडियो की बात करें तो दोनों ही टीवी में आपको ड्यूअल स्पीकर्स इक्विप्ड है विद आउटपुट ऑफ 60 watts, एंड ऑल्सो द टीवीज कम विद डॉल्बी एटमोस सराउंड साउंड। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट यू गेट इनसाइड द टीवी, तो आपको यहाँ पे 1.1 GHz स्पीड वाला Realtek क्वाड कोर प्रोसेसर मिलने वाला है, एंड ये रन करता है एंड्रॉइड 11 पर। एंड ईच टीवी पैक्स अ 2 GB ऑफ रैम एंड हैज अ इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 16 GB। नाउ द रियल क्वेश्चन इज की स्पेसिफिकेशन तो ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ऐसे सेम मेजर स्पेसिफिकेशन हमने पहले भी देखे हैं, बट जो मेजर चेंज है वो है एक QLED डिस्प्ले का है। इस रेंज में आपको नोकिया के टीवी में ऐसा OLED या QLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिला था, बट अब कंपनी ने लॉन्च कर दिया है तो ये काफी एक बड़ा मेजर चेंज है, तो आप डेफिनेटली इस टीवी के लिए जा सकते हैं। आगे बात करें और अवेलेबल फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, गूगल होम सपोर्ट है, एंड ऑल्सो द टीवी इज आर कंपेटिबल विद द गेम पैड एज वेल। आपको कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, हेडफोन जैक का सपोर्ट आता है, एनालॉग ऑडियो इनपुट भी है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट की लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। गाइस अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, क्योंकि वो हेल्प करेगा मेरे चैनल को विद यूट्यूब एल्गोरिथम एंड इट विल हेल्प मी ग्रो, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।